नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका रॉयल टेक चैनल में। तो आज का अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों रियलमी ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है दोस्तों रियलमी X7 Pro, जो कि अभी इंडिया में नहीं लेकिन कोई और देश के अंदर लॉन्च हुआ है। तो सारी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि क्या प्राइस के अंदर इंडिया में लॉन्च होगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। तो सारी जानकारी दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बता दूं दोस्तों कि Realme X7 Pro मलेशिया के अंदर ग्रेडियंट कलर और स्काईलाइन व्हाइट कलर यानी कि दो कलर के अंदर लॉन्च हुआ है। साथ ही दोस्तों बात करें, जबकि थाईलैंड के अंदर ये ब्लैक कलर के ऑप्शन के अंदर भी लॉन्च हुआ है दोस्तों। अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। बाकी फीचर की बात करें तो इसके अंदर 6.5 इंच का फुल एमोलेड HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 से कोटेड रहने वाला है। साथ ही दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये डिस्प्ले मिलने वाली है, तो ये भी एक अच्छी चीज होने वाली है। साथ ही बता दूं कि गेम खेलने और वीडियो एडिटिंग के लिए आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाला है दमदार प्रोसेसर दोस्तों, जो कि होने वाला है MediaTek का Dimensity 100 प्लस चिपसेट वाला प्रोसेसर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही दमदार नहीं लेकिन ठीक ठाक हो सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप 10,000 के अंदर एप्पल के स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो तो इस उम्मीद के अंदर ये आपको नहीं मिलने वाला, तो आप भी रियलमी के प्रोसेसर को ऐसा ही मान सकते हो। साथ ही रैम की बात करें, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट आपको इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका कॉल फॉर रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि इसका प्राइमरी कैमरा आपको मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का। साथ ही दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलने वाला है। साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी मिल जाता है दोस्तों। अब बात करें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर 32 मेगापिक्सल का एक अच्छा कैमरा सेटअप मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बजट के अंदर ये स्मार्टफोन मनी फॉर वैल्यू हो सकता है अगर इंडिया के अंदर और कम रेट के अंदर आए तो। दोस्तों बात करें अब बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की यानी 4500 mAh की बैटरी मिल सकती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये 65 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। ठीक है, 65 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये आपका फोन आधा चार्ज कर देगा। ठीक है, आधा चार्ज और 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा दोस्तों, ये स्मार्टफोन कंपनी का दावा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस के अंदर ये लॉन्च हुआ है और हमारे इंडिया में क्या प्राइस के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों कीमत की बात करें तो इंडिया की कीमत का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलेशिया के अंदर ये जो लॉन्च हुआ है वहाँ पे कीमत रखी गई है 22,446 रुपये, जबकि जो थाईलैंड के अंदर जो लॉन्च हुआ है उस मॉडल की कीमत कितनी है पता है, 41,000 रुपये। मतलब सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन, बस कंट्री का फर्क है और वहां पे उसका जो टैक्स होता है उसकी वजह से प्राइस अप डाउन होती रहती है। अब हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जब भी ये लॉन्च होगा तो प्राइस की बात करो तो ये आपको करीबन मिलने वाला है लगभग 25,000 से 30,000 के अंदर। ठीक है, या फिर लगा लो 22,000 से 28,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आपको इसी प्राइस रेंज के अंदर इंडिया के अंदर मिलेगा जब लॉन्च होगा। तो अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि 2-3 महीने के अंदर ही ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। अगर आप भी ये स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो इंतज़ार कर लो, लेकिन मैं आपको साफ साफ मना करूँगा कि नहीं, इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। इससे अच्छा है इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे फ़ोन अवेलेबल हो चुके हैं और मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही अपडेट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।